क्या नाम है आपका? महीबुद्दीन। क्या हुआ है यहाँ पर? हम सब सोमवार को ये शाम को 8 बजे से लड़की बच्ची नहीं मिल रही। क्या बच्ची की उम्र कितनी थी? 4 साल की। क्या नाम था बच्ची? उमेरा। उमेरा, क्या हुआ, क्या पता चला, आज क्या हुआ? आज तो उसकी लाश मिली। कहाँ पर मिली? वो गटर में मिली। कंप्लेंट वगैरह किए थे आपने? कंप्लेन तो सोमवार को ही किए थे। क्या लग रहा है आपका, क्या हुआ है बच्ची के साथ में? अभी ये तो हम कुछ नहीं बता पा रहे। क्या काम करता है पिताजी उसको? टेम्पो सर्विस। और कितने बच्चे आपको? मेरे को मेरे मैं बड़ा भाई हूँ उसका, मैं बड़ा पापा हूँ। मेरा नाम अनीस अहमद खान है। क्या हुआ है अनीस भाई यहाँ पर? मुझे मतलब 3-4 दिन पहले इसके पापा आए थे लड़की के, और मुझे बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैंने भी फोटो उठू लिया और मतलब तहकीकात करने लगा कि किधर क्या है, हम लोग एरिया में जो भी पूछताछ किया मैंने। फिर कल मुझे SS ब्रांच से चास्कर साहब भी मिले, तो मुझे बोले कि ऐसी ऐसी बात है, जरा कुछ जानकारी होगी तो मुझे बताओ। क्या बात, क्या बात? खुलकर तो इतने में कलीम भाई का आज फोन आया मुझे 4 बजे तक कि ऐसी ऐसी बच्ची का लाश मिली है, उधर दिख रहे। तो दो लड़के इधर से जा रहे थे और उन्होंने देखा और चौकी में मतलब कंप्लेन मतलब उनको बताया गया कि इधर लाश मिली है। तो हम लोग इधर जगह पे आए और सब लोग उधर खोदने ओदने में जो भी लाश निकली है, और लाश निकली तो उसकी हालत तो सही नहीं थी, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है बच्ची के साथ। कहाँ रहती थी बच्ची, क्या है, इलाके का नाम क्या है? ये आजाद नगर है, आजाद नगर गोल्डन चौकी के पास आजाद नगर हमारा इलाका है। क्या ऐसा कुछ लगता है आपको बच्ची के साथ में गलत हुआ, किन लोगों ने किया होगा? ये यहाँ के जो चरसी लोग हैं, यहाँ पे मतलब ओपन जगह जो महानगर पालिका का है, जो TDR उठा हुआ है, अगर ये चाहते तो नगर पालिका वाले इसको कब्जे में लेके इधर चरसी लोग नहीं बसते, या और सब बाहर से भी आते चरसी लोग, यहाँ धंधा भी करते रात में भी। तो अगर वो महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान देती, अभी ओपन ही है, कोई भी आता जाता, किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अभी वहां भी मालूम नहीं पड़ता, मगर बच्चे लोग आज पतंग उड़ाने की वजह से, कि पतंग पकड़ना है इसलिए उनको मिला, उनको जब जानकारी मिली तो। आप लोग जब यहाँ पहुंचे तो डेड बॉडी किस अवस्था में मिली थी, कैसे पड़ी? उसके एक्चुअली बिल्ली ना उसको लाश को ऐसा मतलब खाने की कोशिश कर रही थी, तो बच्चे लोग ने देखा उसको कि लाश को कुछ है उधर, और वो बिल्ली को भगाए, फिर इतने में पुलिस को बताया गया तो आई पुलिस। कौन जिम्मेदार मानते हैं आपको इस हादसे के, कोई कौन है, किन की वजह से हुआ है ये सब? ये तो साहब कैसा है, अभी ओपन जगह है, नगर पालिका भी इसमें जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है, यहाँ कैसा मालूम है ओपन है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। कभी आते नहीं कोई आज तक चरसी, यहाँ से पकड़ नहीं गया ना कोई केस है कोई भी चरसी लोग के ऊपर। स्थानीय पुलिस स्टेशन भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जिम्मेदार है। हाँ, उनको मालूम है ना इधर चरसी लोग है, उनको भी मिल जाते हैं, उनको खाने पीने को या टिप टाप जो भी मिलता है, मतलब खबरी गिरी की भी करते हो सब, वो हिसाब से बचे हुए। क्या नाम है? मोहम्मद अनीस राइन। क्या हुआ आज, क्या किया आपने? आपने तो मैं गटर में देखा तो बच्ची को निकाल रहा हूँ भाई। क्या किस हालत में दिखी बच्ची? बच्ची तो मुख्य अंदर थी गटर में। पहचानते थे? हाँ, बच्ची को पहचानता हूँ। क्या हुआ होगा बच्ची के साथ में, क्या लगा आपको ऐसा देखने? क्या बताऊँ, किसको बताऊँ, बेवड़े लोग चढ़ती लोग रहते हैं इधर, और कौन रहता है इधर। यहाँ पर आप लोग शिकायत नहीं करते पुलिस थाने में? करते हैं, किसको जाएंगे करने के लिए, कार्रवाई नहीं करती इन चर्चियों में, कोई नहीं, कोई नहीं करती है। अभी डरते ना साहब, अकेला कंप्लेन क्या करेंगे,